प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं जो महाभारत के महायुद्ध के कुछ समय पहले घटी थी। कुरुक्षेत्र में महाभारत का महायुद्ध बस शुरू होने ही वाला था। बड़े घुड़सवारों के साथ विशाल सेनाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए युद्ध क्षेत्र तैयार किया जा रहा था। युद्ध के हाथियों को पेड़ों को उखाड़ने और युद्ध के मैदान को खाली करने के लिए तैनात किया गया था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया रहती थी जो कि 3 युवा गौरैयों की मां थी। जैसे जैसे पेड़ को नीचे गिराया जा रहा था, गौरैया का घोंसला उसकी संतानों के साथ जमीन पर उतरा, जो अभी उड़ने के लिए भी बहुत छोटे थे। ये एक चमत्कार था कि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। इतने में उसने श्री कृष्ण और अर्जुन के को क्षेत्र के जांच करते हुए देखा। वे वहां युद्ध की शुरुआत से पहले मैदान की जांच करने और युद्ध की रणनीति तैयार करने के लिए आए थे। गौरैया अपने छोटे पंखों को पूरी शक्ति के साथ फड़फड़ाते हुए उस रथ के पास पहुंची जिसमें कृष्ण और अर्जुन बैठे थे। गौरैया ने विनती की, हे कृष्ण, कृपया मेरे मासूम बच्चों को बचाना, वरना युद्ध के आरंभ होते ही वे सब कुचल दिए जाएंगे। मैं तुम्हें सुन सकता हूं, सर्वज्ञ ने कहा, लेकिन मैं प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे प्रभु, मैं बस इतना जानती हूं कि तुम मेरे रक्षक हो। अपने बच्चों का भाग्य अब मैं तुम्हारे हाथों सौंपती हूं। तुम उन्हें मार सकते हो या बचा सकते हो, ये अब तुम पर निर्भर है। किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह प्रभु ने तब उत्तर दिया, समय का पहिया अंधाधुंध चलता है। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, मैं आपके दर्शन को नहीं जानती, लेकिन तुम खुद समय का पहिया हो। मुझे बस इतना ही पता है, मैं आपके सामने आत्मसमर्पण कर रही हूं। भगवान ने गौरैया से कहा, तो ठीक है, फिर अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए खाना संचित करके रखना। चल रही बातचीत से अनजान अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था जब कृष्ण मुस्कुराए। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फड़फड़ाया और अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद युद्ध की शुरुआत की घोषणा करने के लिए शंखों की गूंज से कुछ समय पहले ही कृष्ण ने अर्जुन से उसके धनुष और बाण की मांग की। अर्जुन चौंक गया, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी शस्त्र ना उठाने की कसम खाई थी। इसके अलावा अर्जुन का मानना था कि वहां वह सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था। मुझे आदेश दे भगवान, उन्होंने दोष सिद्धि होकर कहा, मेरे तीरों के लिए अभेद्य कुछ भी नहीं। अर्जुन ने भगवान से ऐसे कहा। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन जानवर को नीचे लाने के बजाय तीर उसके गले में बंधे हुए एक घंटी पर जा लगा और कुछ चिंगारियां उड़ी। कृष्ण के एक आसान निशान को चूकते देखकर अर्जुन अपनी कुड़कुड़ाहट को रोक नहीं पाया। क्या मैं
उसने पेशकश की। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उसे धनुष वापस देते हुए कहा कि आगे किसी और कार्य की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपने हाथी पर क्यों बाण चलाया केशव? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि यह वही हाथी है जिसने उस गौरैया के घोंसले को आश्रय देने वाले पेड़ को गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने कहा। और हाथी जीवित और उसे कोई क्षति नहीं पहुंची है, केवल घंटी ना रही। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे युद्ध खर्चंग फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कहीं जाने गई, अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण ने अर्जुन को रक्तयुक्त रणभूमि का मुआयना करने के लिए अपने साथ ले गए। कई शव अभी भी वहां थे जो अपने अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा कर रही थी। युद्ध का मैदान, कटे हुए अंग और सिर और बेजान घोड़े और हाथी से भरा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और हाथी की एक घंटी को विचारपूर्वक देखते रहे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे लिए इस घंटी को उठाकर एक तरफ रखोगे? एक सरल निर्देश होते हुए भी अर्जुन के लिए वो कोई मतलब जता न सका। आखिरकार उस विशाल मैदान में, जहां बहुत सारी दूसरी चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। हां, यही घंटी, कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी के गर्दन से गिरा था जब मैंने बाण चलाया था। बिना कोई प्रश्न पूछे अर्जुन उस भारी धातु के टुकड़े को उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उसने इसे उठाया, उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। 1, 2, 3 और 4 तीन युवा पक्षियों ने एक के बाद एक उड़ान भरी और उसके बाद एक गौरैया आई। माता पक्षी कृष्ण के चारों ओर बड़े आनंद से चक्कर लगाती रही। 18 दिन पहले जो एक घंटी टूटकर गिरी थी, उसने गौरैया के पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा, आपको मानव शरीर में सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं ये भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। आइए हम भी इस गौरैये की तरह पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ प्रभु के सामने आत्मसमर्पण करें। COVID-19 के इन कठिन समय में और भविष्य में भी वह हमारी रक्षा करेंगे, हमें बचाएंगे। इन कठिन समय के दौरान लॉकडाउन भी उस घंटी की तरह है जिसने कृष्ण ने गौरैये के परिवार पर गिरा दिया था। जब बुरा समय बीत जाता है तो वह सुनिश्चित ही घंटी को उठाएगा और हमें आजाद कर देगा। जय श्री कृष्ण। संसार में जो कुछ है संसार,
इसी कथा में कह दिया, वेद व्यास ने सार। याद रखें हम आप सब,